सो गाइज, आज मैं आप लोगों को फोर आर्म्स यानी कि कलाई की कुछ ऐसी एक्सरसाइज बताऊंगी जिससे आप लोगों को वर्कआउट रूटीन में ज़रूर शामिल करना चाहिए। इससे होता क्या ना कि आपकी पकड़ और जो कलाई है काफ़ी मजबूत हो जाती है। तो गाइज, इसमें मेन जो होता है आप लोगों को डंबल अपने वेट के अकॉर्डिंग लेना होता है और इसमें ट्विस्ट करना होता है और रोटेट करना होता है। फर्स्ट एक्सरसाइज मैंने आप लोगों को बताया, आपको खड़े होकर डंबल रोटेट करना है और ट्विस्ट करना है। सेकंड, आपको अपने हाथ को किसी टेबल पे या ब्रेंच पे इस तरीके से रख देना है और जो डंबल्स हैं इसे इस तरीके से ट्विस्ट करो और इसे रोटेट करो। गाइज, जब पकड़ आपकी अच्छी मजबूत हो जाएगी ना तो आप लोगों के डंबल्स जब आप उठाओगे तो हैवी वेट मार पाओगे। नेक्स्ट गाइज, ये ज़्यादातर जिम में होता ही है, जब आप कलाई के सेट लगाते हैं तो ये होता ही है, ज़्यादातर मोस्टली जिम में देखा गया ये होता है। तो गाइज, अगर ये जिम में है तो इससे भी कर सकते हैं, केबल पे भी आप कर सकते हो, अगर ये नहीं है तो आप केबल पे कर लो। तो गाइज, इसे आप लोगों को पहले हाथ सीधा करके इस तरीके से रेपुटेशन निकालना है। आप 20 निकाल सकते हो, 30 निकाल सकते हो, जितनी आपकी कैपेसिटी है इस तरीके से आपको करना है। गाइज, इसे हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे आप देख रहे हो मैं खड़े होकर कर रही हूँ, इस तरीके से भी आप इस एक्सरसाइज को कर सकते हो। अगर ये नहीं है तो मैं कह रही हूँ कि आप ना इसे जो केबल होता है जहाँ पे आप ट्राइसेप्स बाइसेप्स या बहुत सारे सेट लगते हैं, केबल पे भी इस एक्सरसाइज को कर सकते हो। बहुत ही अच्छा और बहुत ही इफ़ेक्टिव एक्सरसाइज है, आप इसे वर्कआउट रूटीन में ज़रूर शामिल करो। आप लोगों को रिजल्ट खुद ही दिखने लग जाएगा, जहाँ पे आप 5 किलो 10 किलो का डंबल उठा रहे थे कलाई मजबूत रहेगी तो आप लोग 15 किलो 20 किलो भी उठा पाओगे। बाकी कोई भी क्वेश्चन होता है आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं उसका जवाब जरूर दूंगी। थैंक यू।